राष्ट्रव्यापी आह्वान पर गुरुवार को आशा एवं पर्यवेक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आशाओं ने भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें एवं 46वें सत्र के अनुमोदन को लागू कर आशा एवं पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में नियमित करने, न्यूनतम वेतन देने और न्यूनतम वेतन 26,000 करने के, कम से कम 10,000 मासिक पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने संबंधी मांगे शामिल की। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा आवंटित करने, आशा एवं पर्यवेक्षकों का प्रोत्साहन राशि, निश्चित प्रोत्साहन राशि, कोविड वैक्सीनेशन राशि सहित सभी बकाया राशियों का भुगतान करने, सरकारी अस्पतालों जैसे बुनियादी सेवाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं सेवाओं का निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को वापस लेने, 50,00,000 रुपए का बीमा कवर की समय सीमा को आगे बढ़ाने, पेंशन एक मुश्त राशि एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लागू किए बिना आशा एवं पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्त न करने का, श्रम संहिताओं को वापस लेने, श्रम कानूनों का लाभ आशा एवं पर्यवेक्षकों को देने, आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को निःशुल्क राशन एवं 7,500 प्रतिमाह देने जैसी मांगे शामिल की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता एवं सीटू के पदाधिकारी मौजूद थे।